उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नृशंस हत्याकांड मामले में बड़ी बात सामने आई है। सीतापुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्याकांड में मारी गई प्रियंका सिंह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की पोती थी। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण अब एसटीएफ की टीम लखनऊ से मामले के खुलासे के लिए भी भेज दी गई। हालांकि पुलिस की जांच में मृतक अनुराग सिंह के भाई अजीत सिंह की संलिप्तता सामने आ रही है। पुलिस अजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। घटना स्थल पर जाकर मामले का सीन रिक्रिएशन भी कर लिया गया है। मृतक अनुराग के साले और प्रियंका के छोटे भाई आदित्य सिंह ने एनबीटी ऑनलाइन से खास बातचीत के दौरान बताया कि हमारा ननिहाल गोरखपुर में है। पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह मेरे नाना हैं और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह मेरे मामा थे। हमने सिर्फ सही जांच की मांग की है। दरअसल पुलिस की ओर से पहले थ्योरी दी गई थी कि अनुराग ने नशे की हालत में अपनी माँ, पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी थी। इसके बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अलग कहानी ही बयां की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनुराग के सिर पर 2 बुलेट के शॉट पाए गए। आदित्य का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति खुदकुशी करेगा तो उसके सिर पर 2 गोलियों के निशान कैसे होंगे? एक व्यक्ति सिर में 2 गोली कैसे मार सकता है? इस सवाल ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़ा कर दिया। सीतापुर में शनिवार सुबह अनुराग सिंह, जिसकी उम्र 45 साल थी, उसकी कमरे में लाश मिली। बताया गया कि मां सावित्री सिंह और पत्नी प्रियंका सिंह को गोली मारने के बाद अनुराग ने उनका सिर हथौड़े से कोच दिया। इसके बाद 3 बच्चों को छत से फेंक दिया। इसके बाद खुद को गोली मारकर उसने सुसाइड कर लिया। पूरा मामला रामपुर थाने का है। अनुराग गांव में रहकर 100 बीघा जमीन की खेती करता था। पत्नी प्रियंका लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करती थी। वहीं उसके 3 बच्चे सीएमएस की अलीगंज ब्रांच में पढ़ते थे। शुक्रवार सुबह प्रियंका बच्चों को लेकर गांव पहुंची थी। शनिवार सुबह घर में सभी की लाश मिली। पुलिस हिरासत में अजीत ने कबूल किया है कि उसका अपने भाई और भाभी प्रियंका से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। घर में इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। प्रियंका के आने के बाद झगड़ा और बढ़ जाता था। इस बार प्रियंका के बच्चों के साथ घर आने पर पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान उसने बनाया। अब इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस की थ्योरी पूरी तरह से गलत होती दिख रही है। एसटीएफ की जांच में मामले का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।